तो क्या बोलती पब्लिक, स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल पे रॉको ईट्स। तो आज मैं फूड वर्सेस वीडियो लेके आऊं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं डोमिनोज वर्सेस पिज्जा हट वीडियो लेके आया हूँ आज। तो आप लोग के लिए डोमिनोज भी लेके आओ, पिज्जा हट भी लेके आओ। तो कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कौन सा पसंद है, डोमिनोज या पिज्जा हट। तो चलो इसको अनबॉक्स करता हूँ। तब तक के लिए आपको क्या करना है मालूम है ना, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना। तो चलो इसको अनबॉक्स करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ है डोमिनोज और यहाँ है पिज्जा हट, और पेट है खाली, खाना है रखा हुआ और भूख बहुत ज्यादा लगी है। तो आज है डोमिनोज वर्सेस पिज्जा हट का टेस्ट टेस्ट। तो मैंने आज पूरा मेन्यू सेम टू सेम लेके आया है। तो यह है चिकन पेपरोनी डोमिनोज से, और यह है चिकन पेपरोनी पिज्जा हट से, और यह चिकन विंग्स डोमिनोज से, चिकन विंग्स पिज्जा हट से, और इसके ऊपर चेरी अपना चॉकोलावा केक, ठीक है ना। तो मैं खाऊंगा दोनों, खा के आपको टेस्ट टेस्ट बताऊंगा कौन सा अच्छा है और कौन सा मीडियम है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले डोमिनोज वाला पेपरोनी पिज्जा ट्राई करते हैं। तो दोस्तों रेटिंग वाइज डोमिनोज तो ऑलरेडी जीत चुका है, क्योंकि डोमिनोज का रेट हुआ 350 रुपीज और पिज्जा हट का हुआ 500। और डोमिनोज में मैंने चॉकलावा केक भी ऑर्डर किया, फिर भी 350 रुपीज में है। तो रेट के मुकाबले में तो डोमिनोज बहुत अच्छा है पिज्जा हट से। चीज के साथ ये है पिज्जा हट का पेपरोनी चीज पिज्जा। और दोस्तों अगर मैं पिज्जा हट की बात करूं तो पिज्जा हट पैकेजिंग में बहुत अच्छा है। पिज्जा हट की पैकेजिंग सच में बहुत अच्छी थी, तो वन ऑल हो जाता है, ठीक है ना। तो चलो टेस्ट करते हैं। पिज्जा हट का जो डव है वो डोमिनोज से बहुत ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी है। चिली फ्लेक्स और सीजनिंग डाले हैं, उससे ट्राई करता है। चिली फ्लेक्स और सीजनिंग के साथ कैसा दिखता है। वो स्पाइस हिट करा, डोमिनोज का ट्राई करते हैं चिली फ्लेक्स के साथ। तो दोस्तों एंड तक देखना कौन सा जीतेगा, डोमिनोज और पिज्जा हट, ठीक है ना। अपनी स्टाइल। वैसे चिकन विंग्स में देखने में तो दोनों सेम दिख रहे हैं, फिर भी ट्राई टेस्ट ट्राई करके देखते हैं।
ये है अपना डोमिनोज का चिकन विंग्स, ट्राई करते हैं। चिकन को खाने का तरीका, पिज्जा का देखिए कितना जूसी लग रहा है, जूसी है और स्पाइसी भी। विंग्स विंग्स को खाने का तरीका, ये अब इसको हम लोग चीज में डिप करेंगे। ये देखिए चीज़ी विंग्स, तो चलो देखेंगे पूरा आता है नहीं आता है। चिकन विंग्स है, चिकन लॉलीपॉप। तो दोस्तों अगर मैं चिकन विंग्स की बात करूँ तो पिज्ज़ा हट का सबसे टेस्टी चिकन विंग्स है सच में। उसका स्पाइसेस अलग ही है, पिज्ज़ा हट का बहुत टेस्टी था, तो मैं पिज्ज़ा हट को दूंगा चिकन विंग्स में। लास्ट बाइट डोमिनोज का, पिज्जा हट का लास्ट बाइट। कुछ भी नहीं छोड़ना बोलते लास्ट बाइट। तो गाइस जैसा अभी मैंने पिज्जा हट और डोमिनोज को पहली बार दोनों एक साइड ट्राई किया, तो मुझे पता चला कि रेट जो अपना वैल्यू रहता है वो, और टेस्ट के हिसाब से डोमिनोज अच्छा था, सच में बहुत अच्छा था पिज्जा हट के मुकाबले। क्योंकि पिज्जा हट का रेट दो आइटम में बहुत ज्यादा था और मैंने डोमिनोज से पांच आइटम मंगाए थे, फिर भी उसका रेट कम था। तो रेट के हिसाब से डोमिनोज जीता और टेस्ट के हिसाब से भी डोमिनोज कहीं ना कहीं जीत गया है पिज्जा हट से ज़्यादा। पिज्जा हट का अच्छा था, नॉट बैड, खा सकते हो, पर अगर डोमिनोज और पिज्जा हट में से चूज करना पड़े तो मैं डोमिनोज को ही चूज करूंगा, क्योंकि डोमिनोज सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो सॉरी पिज्जा हट, डोमिनोज विंस। तो चलो डोमिनोज का ही डेजर्ट है, ट्राई कर। तो ये देखिए अपना फेवरेट चोकोलावा केक, देखिए कितना चॉकलेट है। तो चलो ट्राई करते हैं।
डोमिनोज में जाओ और चॉकोलावा केक ना लो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो डेजर्ट के लिए अपना चॉकोलावा केक। आप लोग क्या बोलते हो, मैकडॉनल्ड्स वर्सेस बर्गर किंग लेके आऊं मैं? आप लोग बोलोगे कमेंट में हाँ मैकडॉनल्ड्स वर्सेस बर्गर किंग लेके आने के लिए, तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है ना? तो गाइज अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा हो तो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, मेरा व्लॉग था जिसका रेस्टोरेंट का मैंने जाके फूड रिव्यू किया था सुचित्रा के पास, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखा, आई बटन पे यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है ना दोस्तों? तो गाइज अगर आपको ऐसे वीडियोज और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना कौन से रेस्टोरेंट में वर्सेस करूँ, ठीक है ना दोस्तों? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आपके दोस्तों फैमिली को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।